गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऐसे क्लास एट का संस्कृत जो गीता श्लोक से लिया गया है, गीता श्लोक से लिया गया है, इसके बारे में पढ़ाना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। श्लोक नंबर 2 है, कर्मणे वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भ्रुमा ते संग अस्तु कर्मणि। इसका मतलब है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। अब श्लोक नंबर 3, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक अन्न चैनम कलेद्य अन्न तापो न शोषयति मारुत। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और साक्षात होने की बात कही। अब आगे है श्लोक नंबर 4 है, वसांसि गिरणानि यथा विहाये न वाणी गिरणति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाये जीर्णान्यान्यानि सम्याति नवानी देवी। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का जो आत्मा होती है, पुराने शरीर से निकलकर वह नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आगे है श्लोक नंबर 5, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है सीधे साधे पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगो युगो से प्रत्येक युग में जन्म लेते आया हूं। ठीक है, श्लोक नंबर 5, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितु महर्षि महर्षि। कहने का मतलब है जन्म लेने वालों की मृत्यु आवश्यक है,
मृत्यु को भी, मृत्यु वाले को भी जन्म लेना आवश्यक है। जन्म और मृत्यु के बारे में चिंता करना शोक करने के योग माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन इसका शब्दार्थ आप लोग नोट करके लाएंगे, दूसरे दिन इसका अर्थ मैं लिखा दूंगा। धन्यवाद।